बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त दिलदार हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जट एग्री टिप्स। काश्तकार भाइयों, कमांद की फसल में सफेद मक्खी का हमला मई से लेकर सितंबर तक नज़र आता है और कमांद की सफेद मक्खी और कपास की सफेद मक्खी मुख्तलिफ होती हैं। कमांद की फसल पर सफेद मक्खी के बच्चे ही नुकसान पहुँचाते हैं। ये पत्तों से चिपके रहते हैं और रस चूसते रहते हैं और एक ख़ास रतूबत खारिज करते हैं, जिसकी वजह से कमांद के पत्तों पर ब्लैक रंग की फफूंदी लग जाती है, जिसकी वजह से पौधे की ज़ाई तलीफ यानी खुराक बनाने का अमल रुक जाता है और आपकी फसल कमज़ोर हो जाती है। आमतौर पर इसका हमला कमज़ोर फसल पर ज़्यादा होता है। अब आपने इसको कंट्रोल करने के लिए ये करना है कि आपने कमांद की फसल के अंदर चारे बना लेने हैं, यानी रास्ता बना लेना है, जिसकी वजह से आप आसानी से कमांद की फसल के अंदर स्प्रे कर सकें। और जहाँ तक जहर के ज़रिए सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने की बात करें, तो बायर कंपनी का मोमेंटो, जिसके अंदर पायरोटेट्रामेट जहर होता है, जो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।